पुलिस खोजेगी कैसे? कितने टुकड़े, खबर आई कि 13 हड्डी के हिस्से मिले हैं, क्या मिला है? जानवर भी 6 महीने का टाइम बीत गया है। ये बहुत टीडियस जॉब है पुलिस के लिए, बहुत वास्तव में चैलेंजिंग जॉब मैं कहता हूँ। 6 महीने का टाइम बीत जाने के बाद अगर कोई अपराधी इस प्रकार से सातिराना तरीके से सबके टुकड़ों को यहाँ पर इधर उधर फेंक देगा तो उसको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी झाड़ी के पास उसने फेंका है। लेकिन यहाँ पर अगर उसने फेंक भी दिए होंगे तो इतने घने जंगल में कौन जानवर के कौन से कौन जानवर किसी टुकड़े को लेकर चला जाए, कोई भी मांस का टुकड़ा बदबू आएगी तो कोई कुत्ता बिल्ली जो भी आएगा उसको उसको लेके उठा के भाग जाएगा। तो उसको ये भी नहीं मालूम है कौन सी जगह रखा है, तो वहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं इसमें। तो ये बहुत टीडियस जॉब है। डेड बॉडी के पीसेस मिले हैं, वो भी अभी कंफर्म होना है कि क्या वो श्रद्धा के ही हैं या किसी और के मिले हैं। लेकिन जैसा उसने बताया है, अगर वो कहीं भी डीएनए टेस्ट में श्रद्धा के टुकड़े अगर साबित हो गए हैं तो वो एक क्लिंचिंग एविडेंस होगी इस केस में, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के हिसाब से, और दफा 27 एविडेंस एक्ट में वो मान्य होगा कानून के हिसाब में। बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करने से पहले एक अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शो देखे थे। इसके बाद ही उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काट कर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए और इन 35 टुकड़ों को एक बड़े फ्रिज में रख दिया। वो रोज कुछ टुकड़े फ्रिज से निकालता और जंगल में ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ता। ये सिलसिला पूरे 18 दिन तक चलता रहा। वो रोजाना रात 2 बजे फ्लैट से निकलता और श्रद्धा के टुकड़े फेंकने के लिए मेहरौली के जंगल जाता। अब पुलिस जंगल में श्रद्धा के 35 टुकड़े तलाश रही है, जिसमें उसका धड़ भी है, क्योंकि अभी तक श्रद्धा का सिर भी नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस बार बार आफ्ताब को मेहरौली के जंगल लेकर पहुंच रही है और आफ्ताब के दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ना चाहती है। पुलिस अब नार्को टेस्ट की तैयारी में है, क्योंकि इस सबसे क्रूर हत्याकांड में पुलिस को बार बार ये शक हो रहा है कि आफ्ताब कुछ तो सच बताता है लेकिन कई झूठ की परतें बीच बीच में डालकर सच को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। अभी तक हथियार तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, अभी तक पुलिस ये नहीं तय कर पाई है कि तमाम टुकड़े जो उसके अलग अलग हैं, उनके जो हड्डियां मिल रही हैं उसका डीएनए टेस्ट करके उसका क्या मिलान कर दिया जाए उसके पिता के साथ। इन सब मामलों का भी इंतजार है, टेस्ट आगे पुलिस बढ़ा रही है, लेकिन फिलहाल नार्को टेस्ट के जरिए इस कातिल के दिमाग के अंदर झांकने की फिराक में है पुलिस। आइए आपको बताते हैं कि नार्को टेस्ट आखिर कैसे किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान अपराधी को सोडियम पेंटोथॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता है, इसे ट्रूथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा के शरीर में जाने पर व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी बेहोशी की स्थिति में भी नहीं होता है और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता है। इन दोनों के बीच एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति ज्यादा नहीं बोल सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था में कोई भी शख्स झूठ नहीं बोलता है, इसलिए जांच टीम को सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलती है। क्रिमिनल माइंड में जब आप झांक कर देख रहे हैं आप आफ्ताब के जी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब उसके एंगल से, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा इसको भी फैक्टर इन करती है। क्या समझ में आ रहा है आफ्ताब के क्रिमिनल माइंड के बारे में आप क्या बोलेंगे एज अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर? देखिए, क्रिमिनोलॉजी तो ये कहती है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध एकदम पहली शुरुआत में कोई आदमी कर नहीं सकता, ये एक साइकोलॉजी भी कहती है। लेकिन अगर एक आदमी ने सोच रखा है और वो इतनी प्लानिंग के साथ करता है, इंटरनेट से सर्च करता है कि कैसे ब्लड को कैसे साफ करना है, और कोई आदमी अगर बदबू दूर करनी है तो उसके साथ में कौन कौन से केमिकल्स लेके आने हैं, सफाई करनी है, ये सारी प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही थी और वो सारा करने के बाद ही उसने सारा ये मैं समझता हूँ सारी प्लानिंग मर्डर करने के बाद हुई है। और मर्डर करने के बाद भी कई साल से उनके साथ झगड़ा था तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा इसको पीछा छुटकारा लेने के लिए। हम आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली पुलिस उस आरी को ढूंढ नहीं पाई जिससे श्रद्धा का कत्ल हुआ। श्रद्धा का मोबाइल तलाशने में भी दिल्ली पुलिस अब तक नाकाम रही है। श्रद्धा के कपड़ों की बरामदगी भी अब तक नहीं हो पाई है, और तो और बरामद 13 हड्डियां श्रद्धा के शव की हैं ये भी फिलहाल पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह रही। एक लव स्टोरी 2022 की सबसे बड़ी हेट स्टोरी बन गई। आज कल्पना करने में भी मन सिहर जाता है कि इसी जंगल में श्रद्धा के
शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके आफताब ने डाल दिए। ये हेट स्टोरी हर किसी को आने वाले वक्त में आगाह करेगी सतर्क रहने के लिए, लेकिन पुलिस को अभी भी कई कड़ियां जोड़नी है, कई सबूत तलाशने हैं और आफताब को उसके अंतिम अंजाम तक ले जाना है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।